अदब और तहजीब का शहर कहे जाने वाले लखनऊ को अब आप चित्रों के जरिए समझ और जान सकेंगे। प्रसिद्ध लेखिका विपुल वार्ष्णे ने शामे अवध नाम की एक पुस्तक लिखी है, जिसमें शब्द नहीं बल्कि चित्र के माध्यम से लखनऊ की संस्कृति और विरासत को दिखाने की कोशिश की गई है। इस किताब का विमोचन यूनिवर्सल बुक सेलर्स के बैनर तले किया गया है। अवध की तहजीब को समेटे नवाबों की नगरी लखनऊ को चित्रों के जरिए से एक किताब पर उकेरा गया है। जी हाँ, लखनऊ में एक किताब का विमोचन किया गया, जिसमें शब्द नहीं बल्कि चित्रकारी कर लखनऊ की संस्कृति और विरासत को दिखाया गया है। श्यामे अवध नाम की इस किताब को जहाँ विपुल वार्ष्णेय नाम की प्रसिद्ध लेखिका ने लिखा है, वहीं इसका विमोचन प्रसिद्ध लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने किया। चित्र और गीत दोनों में भावनाएं होती हैं, शब्द नहीं होते, और वो आपके दिलों में बहुत जल्दी और सबसे पहला असर करते हैं। यदि चित्रों का ऐसा असर ना होता तो कभी महात्मा गांधी ने नहीं कहा होता कि फिल्में बननी चाहिए और अच्छी फिल्में बननी चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े भाषणों, बड़ी बड़ी पुस्तकों में वो असर नहीं जो चित्रों में होता है। और सबसे खास बात इस पुस्तक के बारे में ये कि स्केचेस में है। मैंने पहली देखा था तो मैंने विपुल जी को बोला था कि शायद हम सब लोग एक बच्चे भी जब थे, छोटे थे, तब भी हम लोगों ने जो स्केचेस देखे वो शायद आज भी वो स्केचेस वो हमारे चित्र दिमाग में हैं हम लोगों के, इंस्टेड ऑफ रीडिंग समथिंग। वो अभी भी अमर चित्र कथा का जो असर है वो कभी नहीं जाएगा। वो बड़े बड़े ग्रंथ भी हम पढ़ लेंगे, महाभारत के, रामायण के, लेकिन अमर चित्र कथा में जैसा पढ़ा। और सबसे खूबसूरत बात है, इट्स अ वेरी किताब बहुत क्वालिटी की पुस्तक है, कि बहुत ही क्वालिटी किताब है। मुझे लगता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पुस्तक है। मेरी दो पुस्तकें पहले भी आ चुकी हैं और वो काफ़ी सीरियस और रिसर्च ओरिएंटेड थी, है ना। तो मुझे ये लगा कि लखनऊ और हर बार कुछ ना कुछ रह जाता है। आप कितना भी लिखिए लखनऊ के बारे में, कुछ ना कुछ उसमें ज़रूर रह जाता है। या चाहे तो वो एक बार आप आम पकड़िए तो अगली बार उसमें कबाब रह जाते हैं, आप कथक पकड़िए तो ठुमरी रह जाती है। तो अभी तक मैं आई एम नॉट टोटली सैटिस्फाइड कि ये मैं लखनऊ का हर पहलू और उसकी हर जो उसके एलिमेंट्स हैं उसके कल्चर के, उनको मैं कैच कर पाई हूँ। नजाकत और नफासत के शहर को खुद में समेटे इस किताब को यूनिवर्सल बुक सेलर्स के बैनर तले लॉन्च किया गया। इस दौरान यूनिवर्सल बुक सेलर्स के ऑनर ने बताया कि लखनऊ की तहजीब और विरासत को अपने में समेटे इस किताब की लॉन्चिंग का वो हिस्सा बने और इसके लिए खास उत्साहित है, और उनका पब्लिकेशन ऐसे लोगों के लिए काम करता रहेगा। लखनऊ जिंदगी से जिया जाता है, लखनऊ के पल बहुत खूब हैं, लखनऊ की जगह बहुत खूब हैं, लखनऊ के लोग बहुत खूब हैं। अगर ये तस्वीरों के माध्यम से जो स्केचिंग हुई है इस किताब में वो लोगों के सामने बाहर आए तो इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है। जितनी पुरानी चीज़ें हैं लखनऊ की वो बाहर उजागर हुई हैं, बाहर निकली हैं, और इतने ब्यूटीफुल माध्यम से निकली हैं कि शामे अवध जो लखनऊ जो अवध जिसे जाना जाता है वो सब बाहर निकल के आई हैं। तो आई थिंक बहुत अच्छी मैम का इनिशिएटिव है, और हम लोग का यूनिवर्सल बुक सेलर्स जो 70 साल से लखनऊ में हैं, हम लोग का इनिशिएटिव ही रहा है कि जो भी नए ऑथर्स हों, जो भी सम्मानित ऑथर्स हों, जहाँ पर बुक एक कल्चर से रिप्रेजेंट करती है, वी वॉन्ट टू प्रमोट कल्चर, एंड हम उसके लिए हमेशा आगे हैं। आपको बता दें कि लेखिका विपुल वार्ष्णेय ने इस किताब में काफी मेहनत की है। इस किताब की खासियत यह है कि इसमें शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया है और लखनऊ के इतिहास को चित्रकारी के जरिए समाज के सामने लाने की कोशिश की गई है। श्यामे अवध की इस किताब के विमोचन के दौरान कार्यक्रम में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लखनऊ से दिवाकर त्रिपाठी की रिपोर्ट, प्राइम न्यूज़।